हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिर से और एक बार एमसी स्टैन थग लाइफ वाला वीडियो। इसके पहले हमने जो देखे थे, 3 या 4 वीडियो हमने देख चुका है एमसी स्टैन के ऊपर थग लाइफ वाले। एंड लिटरली आप मतलब हक से स्टैन, वो जो कमेंट्स आ रहे हैं यार, मतलब आप लोग इतने ज़्यादा प्यार दे रहे हो कमेंट सेक्शन में। आई एम जस्ट लाइक लिटरली उनका फैन फॉलोइंग, एमसी स्टैन का फैन फॉलोइंग इज सो जस्ट सो क्रेजी। और मैंने ना हाल ही में ये बियर बाइसेप्स के साथ ना एमसी स्टैन का वो जो पॉडकास्ट चल रहा था, तो मैं उसमें देख रही थी। तो उसमें रणबीर मतलब बियर बाइसेप्स पूछा था उसके पास के बारे में, तो क्राइम्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जो जस्टिफाई नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे आंसर एमसी स्टैन के पास आया, पास मतलब एमसी स्टैन ने दिया है वहाँ पे, आई वाज जस्ट लाइक सो अमेज्ड बाय दैट आंसर। भाई साहब, ही इज लाइक सो पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। तो अभी हम यहाँ पे हैं एमसी स्टैन का थग लाइफ वाले वीडियो देखने फ्रॉम द बिग बॉस। लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। डेढ़ खोखे का ये? हाँ सर। तू डेढ़ खोखे का ये पहन का ऐसा घूमता है? हाँ सर। और ये सब तूने कितना जल्दी कमाया, देख अपने यूथ को बता। 3-4 साल में। वर्कआउट हो गया तुम्हारा? यस। ए यार मिस कर दी। सैम तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या मेरे साथ? भंगरवाड़ी मतलब भंगर बोलना चाहता मैं। ए भाई आया नहीं क्या, क्या मालूम क्या हो गया इनको, मेरे को नींद में से उठा नहीं क्या, क्या मालूम क्या वो मेरे लिए आए, हाथ बीत पे नहीं सिर पे डायरे। जग गया जगाया तुमने। सबने भी तो इन्वॉल्व होना था, कोई ना था शेफ, क्योंकि बातें इतनी पर्सनल जा चुकी है। शुरू किसने किया? देखो, या तो इनको बुलवा ले या हम बात करते। आज के बाद मैंने बीच में बोला ना इन्वॉल्व हुआ ना ये गेम में, बोला ब्रो भाई ने भी बोले ना, मेरे को भाई ने बोला ना मेरे को इन्वॉल्व होने के लिए। आज के बाद होटिंग करनी थी। बिग बॉस पे ओवरलैप मत करने बोलो ना, क्या ये बजर बिजर फेंक के मारेगा। अच्छा फेंक के मारेगा क्या? तेको बोला नंबर, तूने बोला, किसको बोला? तेको बोला मैं प्रियंका को मारेगा, धमकी दिया, किसको भी दिया, ऐसी मारेगा फेंक के। हाँ किधर ही फेंकूंगा मैं। जो भी घरवाला प्रियंका को नॉमिनेट करना चाहता है वो अपने सामने मौजूद बजर को दबाए और अपना हाथ उठाकर इस बात का संकेत दे कि उसने बजर दबाया है। ओह माय गॉड, मंडली वाओ, रुक मैं बाकी है, देख डॉन बाकी। देर से बड़े बड़े मारे आके दिखाना, मेरे घर मत मत, घर पे मेरे घर पे आके दिखा, घर तू बाहर दिखा, बहुत मारेगा तू। गाली कितना सिखाएगा मुझे, जितना जब पैदा हुआ था ना तब से गाली दे रहा हूँ मैं। अरे तेरे लिए बताएगा क्या, तू मुझे गाली दिखा था तो गाड़ी का लौड़े खाना। अरे बाप क्यों कर रहा है तू आगे दिखा, माँ क्यों कर रहा है तू आगे बता, गाली दे रहा है। बार बोले ना माँ बाप पे मत जा, आज बोल दे माँ बाप मर गए क्या तेरे, माँ बाप मर गए क्या तेरे, या दूसरे के माँ बाप मार रहे हैं जबरदस्ती के। सैन उसकी फट, बॉम्बे में रहने का है ना, रहने का है कि नहीं, दिखा था कैसा उठा था घर से। गोल्डन गाइस
अगले कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहेंगे। मेरा मन नहीं इधर लग रहा है, पर अब तेरे दोनों भाई है ना भाई, तांडो तांडो झालं पाहिजे ना, इसका हुआ लफड़ा। हाँ शालीन के साथ बच गया, शालीन स्टैन के हाथ से वो स्टैन हमारा, ये भी एड़ा है वो, ये इसका ही बोल रहे स्टैन एड़ा है, ठंडा बस तेरी बहुत याद आती है बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे से बात नहीं हुई, बस तू सबके साथ अच्छा रहे, सबसे मोहब्बत से रहे, खाना टाइम पे खाया कर बेटा, अपनी सेहत पे ध्यान दे, खाना अपने हाथ से ले लिया कर, और सबको अल्लाह कामयाब करे, बस मेरी यही दुआ है। चल बेटा ठीक है, तेरा खुद का ध्यान रख, ज्यादा वैसा उदास मत रहे, तुझे उदास देख के हमको भी बहुत बुरा लगता है, बट चल अल्लाह हाफिज। क्या भाई रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। Stan is making Big Boss popular. अरे ये क्या शॉट है? The real king MC Stan. यहाँ पर तू करते जा जो तू कर रहा है, अरे रे 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 डिसेंबर आ गया है, अरे शोज पे शोज, अरे रे रे अरे पेटी पर पेटी जा रहे हैं ये समझता हूँ, ये तेरे को ऐसा लगा गया तीन चार हफ्ते रह के मैं दिसंबर वाला वर्ड जाऊंगा ना, अब तेरे को इतना चाहने लगे लोग कि मुझे ऐसा लगता है तू एंड तक रहेगा तो हिसाब लगा ले 50-60 क्या वही है ना प्राइस तेरी, 25 फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब चार शो तो होते होंगे ना, हाँ मतलब के 25 में पकड़ ले तू 18-20 शो अल्लाह बड़ा लुक्स चार खोखे के ऊपर गए तेरा भाई साईं सर की बात ये सुन रहे हो, ये बात जो अभी सलमान खान सर ने जो सब कुछ कैलकुलेशन करके बताया 18 शोज का 4 स्टैन इज सो डेंजरस, और स्टार्टिंग में सलमान खान ने जो पूछा था कि ये एक बात जब पूछा आई गेस यार अभी दिमाग में था क्यों भूल गई मैं, ओके जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ ये पूछा था कि ये सब कुछ कमाया मतलब एक ये मिसाल है टू द यूथ एंड ऑल, तो एमसी सर ने बोला 4-5 साल आई वाज भाई साहब ये है ना, हमने एमसी स्टैन को मतलब मैंने तो एमसी स्टैन को लाइक फर्स्ट जैसे हमारा जब चैनल स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले जब उनको हमने देखा था, उनके गाने सुनने चालू किया था हमने फिलहाल ऐसे हाल ही में ही लाइक चैनल स्टार्ट होने के बाद, एंड लाइक
मैंने तब भी उनके ऑडियंस इतने ज्यादा क्रेजी थे एंड वही आज भी अभी मैं उनके वीडियोस पोस्ट करती हूँ क्योंकि तब भी उनके ऑडियंस उनके फैंस इतने ज्यादा क्रेजी एमजी स्टैन के लिए वो ना फैन फॉलोइंग एमजी स्टैन की देख के मैं दंग रह गई हूँ लिटरली इतना ज्यादा लाइक एमजी स्टैन को लाइक वो फॉलो करते हैं एंड इतना प्यार देते हैं ना लिटरली मैंने ऐसे कभी भी ऐसा फैन फॉलोइंग कभी नहीं देखा ऐसा फैन फॉलोइंग है ना उनका एमसी स्टैन का कि यार अपने जान भी देने के लिए ऐसा तैयार है दैट इज व्हाई ही इज देयर दैट इज व्हाई ही इज द एमसी स्टैन लिटरली मैन जो जैसे बात करते हैं वो मतलब विथ लॉजिकल बिना कोई लॉजिक के ही डजंट इवन स्पीक अ वर्ड भाई साहब एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत बार वो इन्वॉल्व होने के लिए बोला गया है और जब प्रियंका और शिव आई गेस बात कर रहे थे तो वो जब एमसी स्टैन इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पे देन प्रियंका इज नाउ लाइक कि यार तुम क्यों बीच में आ रहे हो एंड ऑल एंड एमसी स्टैन जैसे भड़के उस टाइम पे भाई साहब मतलब ये जस्ट लाइक इन्वॉल्व होने बोल रहे हो जब इन्वॉल्व हुआ तो ऐसा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग यार लिटरली यार बंदा करे तो क्या अगर इन्वॉल्व ना हो तो भी प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो तो भी प्रॉब्लम कुछ एक बताओ ना इट वॉज लाइक अ थिंग ये वाला वीडियो ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है क्या ही लाइक स्टार्टिंग टू एंडिंग सुमेश्वर सो या दैट इज इट फॉर टुडे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज फॉलो दैट टू थैंक यू